हाँ, ये WBUT का 2009 का BBA का सम है। इसमें बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो रेशियो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रेशियो चैप्टर में जो भी चीज का हम लोग को रेशियो निकालने बोलेगा, सबसे पहला काम होगा वो फॉर्मूला को लिख लेना। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहला काम होगा हम लोगों का फॉर्मूला लिख लेना। अब इसके बाद सोचेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कैसे। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट निकालना भी बहुत इजी है, हम लोग पीएल बना लेते हैं। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का प्रॉफिट है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से जब सारा खर्चा हम लोग लेस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, पर ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ खर्चों को लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब ये कुछ खर्चा कौन सा है, ये हम लोग धीरे धीरे लर्न करते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐसे याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट से तीन खर्चा लेस होता है बेसिकली, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और कोई भी तरीके का रेकरिंग एक्सपेंस। रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, जो हर वक्त बिजनेस में होता रहता है। हर वक्त होता रहता है मतलब देना ही है हर मंथ, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब हम लोगों को हर वक्त देना ही है। और नॉन रेकरिंग क्या होता है, जो कभी कभी किसी रीजन से हम लोग को पे करना पड़ गया, हर वक्त देते रहना है ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होता है सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये दो नाम याद रखो। तो सम में हम लोग को दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंस, वो ऑफिस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस, दो चीज हम लोगों को दिया हुआ है। पर तो पहले फॉर्मूला लिख लो। तो हम पहले फॉर्मूला लिख दिए, पर अब प्रॉब्लम क्या है, सम में ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया हुआ नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस रियल फॉर्मूला क्या है, COGS इक्वल टू सेल्स माइनस GP। पर हम लोग को चाहिए GP, तो GP को उस साइड ले गए, सेल्स माइनस COGS। अब सब में देखो, सेल्स दिया हुआ है, COGS भी दिया हुआ है। ये 2010 का सम है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निकालना क्या है। हम लोग को तीन चीज निकालना है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो। तो तीनों का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे।
फॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। और सुपर क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो सुपर क्विक रेशियो का फॉर्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब हम लोग को एक एक करके सबका वैल्यू बैठाना है, तो अब सम पढ़ेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेंट्रीज। तो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जैसे ही मिला नीचे के फॉर्मूला में लिख देंगे। इसके बाद इन्वेंट्रीज दिया है, डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंस लॉन्ग टर्म लोन ट्रेड क्रेडिटर्स इनकम टैक्स पेबल अक्रूड इनकम अक्रूड एक्सपेंस। अब इसका करेंगे क्या, हम लोगों को करंट एसेट चाहिए तो जो जो इसमें से करंट एसेट है सबको ऊपर लिखेंगे। अब करंट एसेट क्या क्या होता है, कैश होता है 9500, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज 15,000, उसके बाद है इन्वेंट्रीज 1,00,000, फिर डेटर्स 83,000, प्रीपेड एक्सपेंस 5,000, उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन, ये नहीं होगा, फिर है ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स होता है करंट लायबिलिटीज, उसके बाद है इनकम टैक्स पेबल। कोई भी चीज के बाद में अगर पेबल लिखा हुआ होता है तो वो करंट लायबिलिटी होता है, पेबल मतलब देना बाकी है। उसके बाद यह अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है एसेट होता है, देना बाकी है ये लायबिलिटी होता है, मिलना बाकी है ये एसेट होता है, तो अक्रूड इनकम हम लोग का एसेट है 2,000। और उसके बाद यह अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस मतलब देना बाकी है, जब भी हम लोग करंट रेशियो लिखेंगे जो भी आंसर कैलकुलेटर में आएगा उसमें *1 लगा देंगे। *1 इसका यूनिट है, जैसे परसेंट लगाया जाता है, रुपीज लगाया जाता है, वैसे करंट रेशियो में *1 लगाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद निकाल रहे हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट, तो करंट एसेट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 214500। इसमें इन्वेंट्री हम लोगों को सम में दिया हुआ है 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 5000, करेंट लाइबिलिटी भी दिया हुआ है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद हम लोगों का सम है 2014 का, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला है COGS बाई एवरेज स्टॉक। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को? सेल्स दिया हुआ है, सेल्स इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। तो हम कुछ लॉजिक समझा रहे हैं, पहले इसको कहीं पे भी पेपर में साइड में लिख लो, ये पूरा रेशियो तक याद रखना है। क्या है पहले लिख लो, कैसे इसका क्या मीनिंग है वो हम समझा रहे हैं, पहले लिख लो। ये जैसे मेरे को याद है बिल्कुल वैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा सम इससे एकदम तुरंत हो जाएगा। तो ये है क्या, ये है कि अगर देखो इस सम में देखो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम में हम लोगों को सेल्स दिया है 64,000 और प्रॉफिट दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट। तो हम लोग को 33.33% ऑन कॉस्ट मारना है तब प्रॉफिट आएगा, पर हम लोगों के पास तो सम में कॉस्ट है ही नहीं, तो 33.33% कैसे मारेंगे? और अगर ये नहीं कैलकुलेट कर सके तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो इसलिए हम लोग ये परसेंट याद रखते हैं। तो 33.33% ऑन कॉस्ट 25% ऑफ सेल्स के बराबर है। अगर हम लोग कॉस्ट पे मारते हैं 33.33% और सेल्स पे मारते हैं 25%, तो आंसर सेम आएगा। तो ये कैसे निकला है? ये डेरिवेशन से निकला है, मैथ्स में जो डेरिवेशन चैप्टर होता है उससे ये कैलकुलेट किया गया है, पर वो कैलकुलेशन हम लोगों के काम का नहीं है, हम लोग को जस्ट आंसर से मतलब है, इस रिजल्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पे तो मार नहीं सकते, तो प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, जीपी कैसे निकाल लेंगे, सेल्स पे 25% देकर।
तो हम लोगों के पास जीपी आ गया, सेल्स है तो सीओजीएस निकल जाएगा। अब सामने एवरेज स्टॉक तो दिया हुआ है 12,000, फोर टाइम्स क्यों लिखे, टाइम्स इसका यूनिट है, कोई भी चीज के बाद में टर्नओवर लगा हुआ रहेगा तो उसका यूनिट टाइम्स है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 times। ये सम में हम लोगों को क्या दिया है, ये 2015 का सम है, इसमें दिया है करंट एसेट निकालना है, करंट लाइबिलिटी निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है। इस तीन चीज का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये सब तो एक आइटम है बैलेंस शीट का। तो देखो सम के अंदर हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल। तो हम लोगों को क्या किया है, इस तरह से हम लोगों को बहुत सारा रेशियो सम के अंदर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर जो रेशियो दिया है वो लिख लेंगे। कैसे लिखे हैं, करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशियो का आंसर तो पता है मेरे को 2.8, तो हम वो लिख दिए, इक्वल टू देके छोड़ दिए, क्योंकि मेरे पास ना तो करंट एसेट है ना तो करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद लिक्विड रेशियो दिया है तो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। लिक्विड रेशियो भी कितना दिया है, 1.5। अगेन इसमें भी मेरे पास कुछ है नहीं तो हम कुछ बैठा नहीं पा रहे हैं। फिर दिया है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल दे के रखा है 90,000। ये सम बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आता है, तो सब इसका ट्रिक याद रखो क्या करेंगे, देखो इसको इस फॉर्म में पहले लिख के रख लेंगे, इसका इस चीज को जाके बैठाएंगे वर्किंग कैपिटल में। करंट एसेट का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2.8 सीएल, वो लिख दिए, सीएल को सीएल लिख दिए, अब सीएल निकल जाएगा। इस समय हम लोग के पास ना तो इन्वेंट्री है और ना तो प्रीपेड एक्सपेंस, तो छोड़ देंगे। अच्छा करंट एसेट हम लोगों का आ गया है कितना, 1,40,000, तो हम लोग का रोमन वन में जो पूछा था वो तो हम लोगों का निकल गया।
अभी जो सम है उसमें हम लोगों को निकालना है, करंट रेशियो दे दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो दे दिया, एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो का दूसरा नाम है, और करंट लाइबिलिटी दे दिया है, फाइंड आउट करंट एसेट, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। तो पहले सारा रेशियो लिख लो। उसका दिया हुआ है 1:1, 1.5:1, तो 1.5/1 लिख दिए। 1/1 का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, नहीं भी लिखते हैं तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करंट लाइबिलिटी दे दिया है 50,000। अच्छा, हम लोगों को एक चीज और बोला है इसमें, लिक्विड एसेट निकालना। ये लिक्विड एसेट क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो लिक्विड एसेट है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो लिक्विड लाइबिलिटी है। यहाँ पे हम लोगों का सम फिर से थोड़ा अटक गया है, क्योंकि हम लोगों के पास इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री कैसे निकलेगा देखो, बेसिकली और उस सम का भी याद आ गया। देखो, कभी भी किसी सम में अगर प्रीपेड एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है तो वो हम लोगों का नहीं रहता है, नील मानते हैं। तो हम लोगों के पास इस सम में सब कुछ है, सिर्फ इन्वेंट्री निकालना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले सारा फॉर्मूला लिखे थे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट रेशियो की जगह लिख लिए थे हम लोग 2.5, करंट एसेट नहीं था पर करंट लाइबिलिटी 50,000 था, तो उससे हम लोग का करंट एसेट भी आ गया था 1,25,000। तो करंट एसेट आ गया, रोमन वन का आंसर आ गया। दूसरा चीज हम लोगों से बोला था लिक्विड एसेट निकालने। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जो एसिड टेस्ट रेशियो का ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो करंट एसेट हम लोग के पास था 1,25,000 पर इन्वेंट्री नहीं था, तो इन्वेंट्री के लिए ये वाला फॉर्मूला में गए, करंट एसेट लिखे, इन्वेंट्री नहीं था इन्वेंट्री लिख दिए, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था तो हटा देंगे, करंट लाइबिलिटी था, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था तो नील समझ के हटा देंगे। उस तरह हम लोग का इन्वेंट्री आ गया, यहाँ पे इन्वेंट्री पुट किए तो हम लोग का लिक्विड एसेट आ गया है और इन्वेंट्री भी आ गया है।